सर छुट्टी चाहिए, बकरी ने बछड़ा दिया है, गांव से चिट्ठी आई है। चलट बुड़बक कहीं का पागल, तो तुमको 4 महीने की छुट्टी चाहिए? हाँ सर। कोई बात नहीं, कम यार 1 साल की लो, जाओ। थैंक यू सर। यार प्रभाकर, ये फड़कती जवानी वाला प्रोग्राम सच में हिट होगा क्या? फड़कती जवानी है? हाँ। ए, पानी लेकर आ। हाँ, लाता हूँ। थोड़ा डाउट है। डाउट मत रखो, ये आइडिया हिट होगा। हॉट पानी फॉर हॉट सर। ए बुड़बक, ऑफिस के फ्रिज में जंग लग गया जो गर्म पानी लाया। क्या रे, मुझे घूर रहा है, पता है तुझे मैं कौन? जाने भी दो यार, बच्चा है। ये क्या बात हुई है, फ्रिज का पैसा आखिर कैसे वसूल होगा? जी सर। बात सुन, सीनियर की रिस्पेक्ट कर। कर लूंगा। तो क्या कह रहे थे तुम? वो फड़कती जवानी हिट होगा कि नहीं? हाँ, यही ना। हाँ, हाँ, हाँ। देखो यार, दुनिया में कोई भी आइडिया हिट हो रहा हो, ये आइडिया 100% हिट होगा। हाँ। ये हमारी गारंटी है। बहुत जल्द 1 नंबर का चैनल होने वाला है, नो डाउट एट ऑल। कोई पंगा तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। इस शो से इनकम होगी डबल, सबकी पगार होगी ट्रिपल, और इस सब में हमारी कमीशन होगी 50%। इतना ज्यादा क्यों, तबेला खुल लेंगे? रुक चपड़ गंजू, पापड़ तले हम और बैठ के खाएगा तू, है इडियट। कैसी हो कमला? क्या प्रभाकर, तुम मुझे हीरोइन बनाने वाले थे ना? बोलो ना, कब बनाओगे, जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी? जल्दी प्लॉट तैयार कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, कुछ ही दिनों में मेरी दिल की हीरोइन से टीवी की हीरोइन बन जाओगी। मजाक मत करो ना। अरे नहीं भाई, तुम जरा रेडी रहना, हमारे आदमी आएंगे तुम्हारा ऑडिशन लेने। अरे पर ऑडिशन की स्क्रिप्ट कहाँ है? स्क्रिप्ट की क्या जरूरत, कुकरी शो का ऑडिशन है डार्लिंग। क्या बनाना है? अरे भिंडी गोभी कद्दू तल देना। कितने क्यूट हो। वो सब रात में, तुम तैयार रहना। बाय बाय। ओके जानू, बाय। ए अभिमन्यु, अगर रिस्पेक्ट नहीं देगा तो मैं खाल खींच लूंगा तेरी। अबे 1.5 फुट के छछुंदर इंसान, ज्यादा बोलेगा तो जबान खींच लूंगा। मैं तो हेलो सर, मारे क्यों? टिंग अच्छी किया, 100 रुपया लेकर जाना। एनीथिंग सीरियस? मैंने एक प्रोग्राम के बारे में सोचा है। आग जलाओ, भूख मिटाओ, इसमें सुंदर कन्याएं खाना पकाएंगी। क्या बात है, जबरदस्त। मैंने सोचा है इसे तुम शूट करोगे। क्यों मजाक कर रहे हैं सर, हम तो रियलिटी शो प्लान कर रहे हैं। असल में ये चूल्हा आग बावर्ची आप पर सूट करता है। सर अपने स्टाफ कितने हैं? टोटल 60 हैं। कल से 59 होंगे। क्यों सर, आप रिजाइन कर रहे हैं? सॉरी सर, जोश में आ गए थे। अबे हुल किसको दे रहा है, देख लूंगा। कमला जी का घर है। आप लोग कस्टमर हैं क्या? हम शूटिंग कर रहे हैं। तैयार हैं। बाद में इनका नंबर है क्या? तुम अंदर जाओ, जाओ जाओ जाओ, बाहर मत आना। ए, बैठने के लिए किसने कहा? पता है कितना महंगा सोफा है? अगर को फूल का गमला हम पे हमला है, जबान काट दूंगी। तो तुम दोनों प्रभाकर के चमचे हो ना? चमचे नहीं, मैं डायरेक्टर हूँ, ये को डायरेक्टर। अच्छा, चाय कॉफी कुछ लेंगे? प्यार से जो भी मिल जाए हमें। कंट्रोल बिरजू, कंट्रोल। समझ गई, मैं ठंडा लेकर आती हूँ, आप लोग बैठिए ना। बर्फ के टुकड़े डालना मत भूल। कहाँ जा रहा है तू? अरे बिरजू, अपना प्रभाकर तो इसको पर्सनल माल समझता है, लेकिन ये तो पब्लिक माल निकला। हमारी कंपनी का कद्दू काटता है, यहाँ बांटता है। लुट गया बेचारा, ये यहाँ कैसे? बाय प्रिया, बाय बाय। अरे बिरजू, कैमरा लगा ले हमारा। हाँ, तब तक तो अपनी पिक्चर बना ले। शाम को जल्दी आ जाना, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। हाँ ठीक है। हेलो मिस अंजलि, आप यहाँ कैसे हैं? पहले तुम बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज डे एंड नाइट है यहाँ। ओ, तो ये भी शौक है? शौक क्या, रोज यही करते हैं क्या? रोज और नहीं तो क्या, जब तक थकते नहीं तब तक रुकते नहीं। क्या चीरे, तुझे करना पड़ेगा, नहीं करेगी? मुझसे बकवास की ना तो मुंह तोड़ दूंगी। क्यों तोड़ोगी, ये मेरी रोजी रोटी है। पसीना बहाकर पैसे कमाने का मजा ही कुछ और है। क्या इस काम के पैसे भी लेते हो? और नहीं तो क्या, फुकट में काय को करूं? बाप रे, ये तो अभी चालू है। शॉट रेडी है। अब ये कौन है? मेरा असिस्टेंट, साथ में करते हैं। दोनों साथ में? क्या बात है, हर बात में सवाल क्यों करती हो? बिना असिस्टेंट के शूटिंग कैसे होगी? शूट नहीं करते हो? शूट करेंगे तभी तो ऑनलाइन दिखेगा। हे भगवान, ये काम करते शर्म नहीं आती? मेहनत का काम करने में शर्म काहे की? चुप करो, मुझे कुछ नहीं सुनना, बेशर्म कहीं का। क्यों, खाने का प्रोग्राम शूट नहीं कर सकते? खाने का प्रोग्राम? और नहीं तो क्या, मैं प्रोग्राम डायरेक्टर हूँ और वो मेरा असिस्टेंट। सॉरी सॉरी, मैं तो कुछ और ही। मेरी शक्ल से लड़कियां अक्सर धोखा खा जाती हैं, फिर वो क्लोज आ जाती है। यू कंटिन्यू। शाम को जल्दी आना प्रिया। हाँ, काश हमको भी ऐसे बोल देती, इसके साथ तो साथ फेरे लेने का दिल करता है। तैयार हो गई, कैमरा लेकर टॉप एंगल से हमला कर। आज के सारा एंगल कैंसिल, मूंगफली की चटनी बाद में बनेगी, पहले पत्नी के पास जाएंगे। अंजलि हमारे हैं। अंजलि, अंजलि तुम्हें शर्म नहीं आती मेरा पीछा कर रहे हो? ये तेरा ही झोपड़ा है ना। हाँ तो
तो तुमने हमको इनवाइट क्यों नहीं किया? लुची, बच्ची, एक मिनट, आंटी, माँ को क्यों बुला रहे हो? ओ, अंजलि सिस्टर, मम्मी को बुलाएंगे? हाँ, मैं हूँ, बोल। मजाक कर रही है ना? आप तो बॉलीवुड की हीरोइन लगती हैं। नहीं बेटा, मैं ही अंजलि की माँ हूँ। मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। आपको किसी पिक्चर में देखा है? अरे जब आंटी कह रही है वो अंजलि की बहन नहीं है तो क्यों पीछे पड़ा है? उधर देख। ये नहीं हो सकता। लेकिन आप यहाँ आए क्यों हैं? शूट करने के लिए। अरे हाँ? हाँ? मेरा मतलब हम चैनल से आए हैं प्रोग्राम बनाने के लिए। गली के नुक्कड़ पर मुझे एक छोटे बच्चे ने बताया कि आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। इतना छोटा बच्चा कैसे बोलेगा? आज के बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, सुपर फास्ट। हाँ, किचन कहाँ है? बोचट कहीं का। दक्षिण में बाथरूम है, पूरब में बेडरूम है, यहाँ होगा। हाँ, पर ये आपको कैसे पता चला? वास्तु, एक्सपर्ट हूँ। अब तो 100% अभिमन्यु इस घर का जमाई बन गया रहेगा। नहीं नहीं सॉरी, जोकिंग जोकिंग। क्या लग रही है आप देखकर? मुझे शर्म आ रही है। सच कहते हैं, आप छा जाएंगी। आपकी जो स्माइल है ना, उसमें दर्शक पूरी तरह फिदा हो जाएंगे। तो क्या कहती है, प्रोग्राम शुरू करें? हाँ, शुरू करते हैं। कैमरा रोलिंग, एक्शन। वाह वाह वाह, ये टीवी पर कब आएगा? दिन में 8 बार। अब जो खाना बनाया है तो खा के जाइए ना। कल लंच पर आ जाता हूँ। कल क्यों आना है? लुच्ची बच्ची बहुत ड्रामा करती है, चाहती तो है कि मैं आ जाऊँ। मीठा क्या खिलाओगी? स्वीट डिश कल तुझे खा जाऊंगा। अब से रोज जाएंगे और शूट करेंगे, फ्री रहना। समझ गया, मैं सामने जाऊँ। कहाँ से आ रहे हो? कमला के घर से। उसी से बात हो रही है मेरी। क्या कमला, ये लोग आए थे? नहीं आए थे। नहीं आए थे? तनिक रुका दीजिए, बात करते हैं। हेलो मैडम, हम आपके घर आए थे ना। हाँ? लुंगी में एक आदमी बाहर निकला था। अरे आप लुंगी में? अरे हाँ, वही पाइपलाइन वाले। करेक्ट करेक्ट। आज मूड नहीं है, कल आओ, ऐसा कहना। तो ये बात आप सर को बता दीजिए। हाँ, उन्हें फोन दो ना। लीजिए सर। क्या ये सच है कमला? वो दोनों आए थे जानू। अच्छा, मजाक कर रहे थे। हमेशा मजाक करती है। आपके साथ करती है मजाक? तुम कबाब में हड्डी मत बनाओ। दूध बिल्ला पी जाएगा, ढक के रखा करो। अबे गधे, लुक मत दे, देखने के अलावा तू कुछ नहीं कर सकता है। चल एडिटिंग रूम में चल। कमला जी का नंबर दीजिए ना, पुदीने की चटनी बनवानी है तो। उससे शादी करने जो नंबर मांग रहा है? नहीं, वो तो मैं। चल निकल। क्या हाल है पापा, क्या कर रहे हैं? खाना खा रहा हूँ बेटा। अच्छा सुन, अगली 5 तारीख को तेरे पास पहुँच रहा हूँ। रिटायर हो रहा हूँ ना, कुछ पेपर सबमिट करने। पापा, प्रॉपर्टी मेरे नाम कर रहे हैं क्या? आइए आइए, आपको बहू भी तो देखनी है। ए, सिर्फ बहू नहीं देखनी, जल्दी से तेरी शादी करा के अपने पोते पोतियों का मुंह भी देखना है। पापा, आप हमेशा इसी तरह मुस्कुराते रहिए बस। और तू भी। उससे कहिए ना, मैं भी साथ में आ रही हूँ। अच्छा सुन, तेरी माँ भी साथ आना चाहती है। अरे नहीं पापा, माँ को साथ मत लाइए, पब नहीं जा सकेंगे, घर का खाना होगा, 8 बजने से पहले घर लौटना होगा। अच्छा, तो इसलिए तू नहीं चाहता कि मैं तेरे पास आऊँ, है ना? अरे ऐसी बात नहीं है माँ, बल्कि मैं तो पापा से कह रहा था कि माँ को भी साथ लाइए। अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुझे, मैं तेरी माँ हूँ। मुझे माफ कर दे माँ, गलती से मेरी जबान फिसल गई बस। ठीक है, मैंने तुझे माफ किया। अच्छा सुन, तेरे लिए गाजर का हलवा लाऊंगी। क्या बात है, लव यू। हे बाबूलाल, मर्डर नहीं कर सकता तो मक्खी मार। अरे नहीं साहब। सुन ले बाबूलाल, वो फाइल नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर पहुंच गई तो तू मैं सब चक्की पीसते नजर आएंगे। एक चांस और दे दो साहब। देख, काम खत्म कर और मुझे फोन कर, वरना तू तो गया समझ। एक चांस और दे दीजिए, उसका गेम जरूर बजेगा। सॉरी फॉर डिले। अबे ओ बिल्लू, भाईगिरी का काम छोड़ के गांव में जाके बकरी चरा, आप उनका तो कचरा हो गया ना। तूने जिस आदमी को उस कबूतर को मारने भेजा था, किसी ने धोखे से उसका इस गेम बजा डाला। बे पोपट, अगली बार मिस नहीं होगा। अरे अपुन को तेरे पे पूरा भरोसा है, लेकिन सीएम को कौन समझाएगा? चारे लौंडे, हवा निकल गई। तेरे साफ शूटर को हमने उड़ा दिया। तेरी तो इतना मत चिल्ला, गला बैठ जाएगा। तू तो हमारे यार का बेटा है रे। एक ज्ञान की बात सुन, पीपल के पेड़ के नीचे सोया जाता है, लेकिन उसको काट के उसकी लकड़ी से घर नहीं बनाते हैं। ये रिक्शा वालों से हफ्ता लेना, मंडी में छीना झपटी करना, चोरी चकारी करना,
दलाली करना, ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे काम है करने के लिए। वो सब छोड़ के कल का लौंडा हमसे पंगा ले रहा है, मना करने के बावजूद हमारे धंधे में उंगली कर रहा है। ए, तुम जानबूझ के आग से खेल रहे हो, जल के राख हो जाओगे। वैसे चिंता मत करो, तुम हमसे मिलो, हम तुमको ट्रेनिंग देंगे। जा बोल, उसका गेम ओवर कर देंगे। ठीक है। अंजलि, अंजलि, अंजलि को क्यों बुला रहे हो? आपका रोल खत्म हुआ। आपको ही बुलाने के लिए तो पुष्पा जी बुलाना चाहिए ना। बड़े लोगों को नाम से बुलाते हैं क्या? आपका नाम नहीं ले सकता, इसलिए अंजलि का नाम लिया, उसे बुलाया। तो माँ जी कह सकता था ना। मुबनकार, प्रोग्राम में नाम लिखना पड़ता है। जाने दीजिए, चलिए अंदर चलिए। अच्छा ये बताइए कि अंजलि कहाँ है? ऑफिस गई है, एक घंटे में आएगी। एक घंटा टाइम पास करना पड़ेगा। मम्मी जी, ये बॉर्डर थोड़ी छोटी हो गई, बड़ी होती तो अच्छी लगती। जरी का काम होता तो आप परी लगती। यही स्माइल अपने को कैमरे में चाहिए। चलिए, बोला था फोन करके जाते हैं, तब तक मैं कहूँ बंद कर, चल काम पर लग। अपने को तो हर ब्रांड की मिलेगी अंकल मिलिट्री में यार। अबे कंट्रोल कर, दामाद बेवड़ा हो तो कोई लड़की नहीं देता, लात मार कर भगा देता है। ठीक से बैठो। अरे मुझको छोड़कर कहाँ चली गई थी? आंटी आंटी, ये साड़ी कैसी है, अच्छी लग रही है ना? क्या बात है, बहुत ही सुंदर लग रही हो मम्मी जी। मम्मी जी, अभी मम्मी बाद में सासू। तेरी तो जाओ, सुपर स्टार इज रेडी, जाओ जाकर बैंगन के भरते में झोंक लगा। आइए ना, पधारिए, आइए आइए। चलिए हम पापड़ तल कर आते हैं। चलो ना हमारी गली। तुम्हारा दिमाग खराब है, बेडरूम तक आ गए? आज तक मैं किसी के बेडरूम तक नहीं गया। प्रपोज कॉलेज में एक लड़की को पूछा था, वो प्रोफेसर के साथ भाग गई। तुम वो पहली लड़की हो जिसे फर्स्ट टाइम प्रपोज कर रहे हैं, ये बात मिस्टर मूर्ति जानते हैं। कौन? अरे तुम्हारे ससुर जी, उन्होंने आशीर्वाद भी दे दिया है। हनीमून के लिए हम उत्तराखंड जाएंगे, असम, सिक्किम, मेघालय भी बहुत सुंदर है। वहाँ से गोवा जाकर एक नारियल में दो स्ट्रॉ डालकर पियेंगे। अगर तुम्हें ये रिश्ता मंजूर हो तो बाहर जाने से पहले ये स्विच ऑन ऑफ कर देना, बत्ती बुझी तो समझेंगे किस्मत खुली, नहीं तो मैं ये चेहरा कभी नहीं दिखाऊंगा। बनकर 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 बुझा बत्ती। स्विच काम नहीं कर रहा। कौन बनेगा रोडपति, इसका ऑफर मुझे पहले आया था। तो जाना चाहिए था ना, रोडपति बनना है। जो मैं वहाँ जाऊँ? औकात तो रोडपति वाली है और शक्ल भी भिखारी वाली है। सिर संभाल के लग जाएगी। बहुत बोलता है, लिमिट में रहे। कम सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, मैं जयप्रकाश जी का इंटरव्यू करना चाहता हूँ। अगर ये इंटरव्यू कर लेंगे तो हमारे चैनल का टीआरपी बढ़ेगा। अगर आप परमिशन दे दें तो कल ही उन्हें बुला के इंटरव्यू ले लेते हैं। बड़ी मुश्किल से ये बिजनेस पटरी पे आया और तू है कि बिजनेस को रिवर्स खींच रहा है। जरा दिमाग लगा, इंटरटेनमेंट का कॉन्सेप्ट है तो वो बता। बट सर, बट सर से काम नहीं चलेगा, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तुझे में वो है नहीं। सर इससे हमारे चैनल को बहुत फायदा होगा सर। तू मुझे सिखाएगा चैनल कैसे चलाते हैं? जो झंडे गाड़े सब उखाड़ दूंगा, समझा? ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? होशियारी मत दिखा और अपनी हद में रह। गेट लॉस्ट।